ये इंग्लिश ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेंस और सेंटेंस ये इंग्लिश ग्रामर के बेस हैं। जब तक हम इन्हें नहीं सीख पाएंगे तो हम इंग्लिश में कुछ भी नहीं सीख सकते। जैसे एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, ये सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो चलो टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ी बेसिक नॉलेज कराती हूँ मैं। इंग्लिश भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो होती है लेटर्स, अल्फाबेट, जिसमें 26 लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी से लेके जेड तक 26 होते हैं। और इसमें भी देखिए ये जो है 5 वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा और जो लेटर्स हैं 21 लेटर्स, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल को स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो लेटर से मिलकर के एक वर्ड बनता है, तो इसकी डेफिनेशन होगी वर्ड की। हम वर्ड की डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ये जो है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का जो ग्रुप होता है और उसके साथ साथ वो कंप्लीट सेंस दे, मींस अर्थ देता है, तो उसे हम वर्ड कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे ये है सी टी ए, ये लेटर्स है सी टी ए। अब इसका जो हमने ग्रुप बनाया, ग्रुप में ये आया सी टी ए, अब इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये हमारा ये वर्ड नहीं कहलाएगा। है तो ग्रुप, लेकिन हम इसे वर्ड नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई सेंस नहीं है। इसी तरह से हम इधर देखते हैं सी प्लस ए प्लस टी, अब इसके ग्रुप को हमने मिलाया तो हुआ सी ए टी, तो इसका तो सेंस है कैट, तो ये हमारा सही है, इसे हम कहेंगे वर्ड। तो ये क्लियर हो रहा है कि वर्ड क्या है, तो लेटर से मिला के क्या बनता है, वर्ड। उसी तरह से अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक तरह से हम कह सकते हैं वर्ड से बड़ा होता है, मीन्स वर्ड का भाई भी बोल देते हैं, क्योंकि ये वर्ड से मिलकर बनता है। तो इसकी डेफिनेशन है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, मतलब शब्दों का एक ऐसा ग्रुप उसके साथ साथ जो कंप्लीट सेंस देता हो, वो सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम देखें, यू आर ए गुड बॉय। अब देखो यू एक वर्ड है, आर एक वर्ड है, ए, अब इसको मिलाकर एक सेंटेंस बन गया और इससे हो रहा है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो ये सही है। और अगर हम ग्रुप तो नीचे भी है, जैसे नीचे वाला एग्जांपल देखें, ए गुड बॉय आर यू, अब इसका कोई अर्थ ही नहीं लग रहा। जैसे हम एक अच्छा लड़का हो तुम, तो ये सही अर्थ नहीं हो रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ऊपर वाला सेंटेंस है, तो ये क्लियर हो रहा होगा बच्चों, ये सेंटेंस क्या होता है। तो जो मैंने सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट थी तुम्हारी लेटर्स, तो हम कह सकते हैं लेटर को मिलाकर एक क्या बनता है, एक वर्ड बनता है, और वर्ड को मिलाकर क्या बनता है, सेंटेंस। उसी तरह से सेंटेंस को मिलाकर क्या बनता है, एक पैराग्राफ।
और एक पैराग्राफ को मिलाकर क्या बनती है, एक स्टोरी। तो ये इस तरह से ये क्रम चलता है। तो ये आपका सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से होते हैं फाइव काइंड्स? नंबर वन असर्टिव सेंटेंस, नंबर टू इंटरोगेटिव, थ्री इंपरेटिव सेंटेंस, फोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फाइव ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस तरह से फाइव काइंड्स होते हैं। तो एक एक करके हम इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है वो मैं बताती हूं कि द सेंटेंस दैट असर्ट्स और डिक्लेयर्स समथिंग। असर्ट्स कहते हैं बताना। एक ऐसा सेंटेंस जो कुछ बताता हो, डिक्लेयर करता हो, घोषणा करता हो, या हम ये भी कह सकते हैं इसमें किसी कार्य या घटना के होने अथवा ना होने की सूचना देते हैं, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। इसमें किसी ना किसी कार्य या घटना की सूचना हमें प्राप्त होती है। इसमें जो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप अवश्य लगाते हैं। ठीक, इसकी ये पहचान है कि इसमें फुल स्टॉप बाद में लगता है। और ये जो सेंटेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, एफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक, मतलब किसी कार्य या घटना के होने की ही सूचना देता है, केवल हां में उत्तर होता है उसका, तो वो असर्टिव होता है। जैसे ही हरी रीड्स अ बुक। अब देखो इसमें जो है, मैं असर्टिव का ही बताती हूँ एग्जांपल। जैसे हरी रीड्स अ बुक, हरी किताब पढ़ता है। अब इसमें जो किताब पढ़ना, ये क्या है, कार्य की होने की सूचना दी जा रही है। तो क्लियर हो रहा है असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। और उसमें भी ये एफर्मेटिव है, इसमें किसी कार्य के होने की सूचना दी जा रही है, किसकी, की किताब पढ़ने की। ठीक, इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में असर्टिव के अंतर्गत है, किसी कार्य या घटना के ना होने की सूचना देते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं इसमें नहीं का जवाब होता है। जैसे मोहन डज नॉट सिंग, मोहन गाना नहीं, मोहन नहीं गाता है। तो इसमें भी कार्य के ना होने की सूचना हमें मिल रही है। तो ये क्लियर हुआ होगा असर्टिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, द सेंटेंसेस दैट इंट्रोगेट्स और आस्क अस ए क्वेश्चन आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और पहचान है इसके, इसके इन वाक्यों के अंत में इंटरोगेटिव मार्क जो ये है, इस तरह का मार्क अवश्य आता है। ये भी टू काइंड्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं यस नो टाइप, इसे हम स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यस नो टाइप इसलिए बोला जाता है कि
इसका जो क्वेश्चन जो होता है, जैसे क्वेश्चन हम हेल्पिंग वर्ब से पूछते हैं, क्या आपने ये काम कर लिया, तो इसका आंसर क्या होता है, यस या नो। इसलिए इसे हम यस नो टाइप भी बोल देते हैं। और वैसे स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब होता है। इस तरह के वाक्यों में जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की। जैसे एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। तो देखो ये आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद जो सब्जेक्ट आया है उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये जो है बाद में क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है। तो ये स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो रहा होगा। सेकंड है इसका ही इंटरोगेटिव का डब्ल्यू एस टाइप, मीन्स स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जो भी है डब्ल्यू एच वाले, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, विच, इनसे प्रारंभ होते हैं। ऐसे वाक्य जो प्रश्न सूचक जो शब्द होते हैं, व्हाट, वेयर, ये सारे जो हैं इनसे प्रारंभ होते हैं, वो डब्ल्यू एच टाइप होते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये किससे शुरू हो रहा है, व्हाट से शुरू हो रहा है। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जो है क्या है, वो है जैसे द सेंटेंसेस दैट डिनोट ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस आर इम्परेटिव सेंटेंस। अब ऐसे वाक्य आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव प्रकट करते हैं। मीन्स या प्रार्थना का मतलब रिक्वेस्ट, मतलब आग्रह का भाव प्रकट करते हैं, वहां पर क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अब ये सेंटेंस बनता किस तरह से है, इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। किससे होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, मतलब जो भी होगा ऑब्जेक्ट जो भी है उसके बाद वो आता है। और इसमें जो यू सब्जेक्ट होता है वो हाइड होता है, वो छिपा हुआ होता है, उसे हम लिखते नहीं हैं, लेकिन सेंस में हमें लगता है कि ये यू है, क्योंकि हम ऑर्डर भी देते हैं तो दूसरों से भी देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं वो दूसरों के लिए ही करते हैं, और एडवाइस भी दूसरों के लिए करते हैं, तो इसमें यू छिपा हुआ होता है, हम ना तो हिंदी में और ना ही हम इंग्लिश में इसमें लिखते हैं। और इसका जो नेगेटिव जो बनता है उसमें डू नॉट का प्रयोग करते हैं। वर्ब से पहले हम डू नॉट लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। कम हियर, पहला है कम हियर। कम हियर का मतलब यहाँ आओ, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है इसमें क्या है, ऑर्डर है। ठीक, अब ऑर्डर है और इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, और इसमें जो है कम हियर यहाँ आओ, इसका मतलब क्या है, तुम यहाँ आओ। यहाँ पर यू छिपा हुआ है, हमने लिखा नहीं है लेकिन सेंस हमारा यू में आ रहा है। उसी तरह से प्लीज गिव मी योर बुक, इसमें रिक्वेस्ट है, आग्रह हो रहा है। उसी तरह से नीचे है इसका नेगेटिव, डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। आप देखिए ये क्या है, ऑर्डर है, वहां मत जाओ, ठीक, और क्या है, नेगेटिव का सेंस है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, वर्ब से पहले डू नॉट का प्रयोग करेंगे, तो डू नॉट गो देयर। ठीक, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है चौथा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिजायर आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
अब सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग जैसे दुख, भय, करुणा, घृणा, आश्चर्य आदि, ये इस तरह की फीलिंग जब प्रकट होती हैं, उनके भाव जो प्रकट होते हैं, तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे हम कहीं घूमने के लिए जाएं, मान लो हम कश्मीर गए हों और वहाँ सुंदर सुंदर हमने वहाँ की घाटियों को देखा, और वो देखते ही हमारे अंदर एक तरह से स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग आश्चर्य की प्रकट होने लगती है, तो हम हमारे एकदम से मुंह से निकलता है, वाओ हाउ ब्यूटीफुल द साइट। तो इस तरह से जो हमारे बोलने का तरीका है कि वाह कितनी सुंदर ये दृश्य है, तो ये जो हमारे जो बोलने का जो लहजा है, तरीका है, वो भी इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ऐसे वाक्यों में एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस तरह का मार्क होता है, उसका प्रयोग अवश्य करते हैं। ये किस तरह से बनते हैं? ये दो प्रकार से बनते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड से भी बनते हैं, जिसमें इंटरजेक्शंस लगते हैं। इंटरजेक्शंस वर्ड जो हुर्रे है, अलास, ब्रेवो, ओ, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हे ईश्वर, जैसे हुर्रा जो आया है खुशी के लिए, वाह वाह तुमने मैच जीत लिया, इस तरह से। या अलास दुख के लिए, अफसोस मैं बर्बाद हो गया। या ब्रेवो, जैसे हम पेटिंग किसी की बैक को करते हैं, शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, इस तरह से। ओ आश्चर्य के साथ जैसे बोलते हैं, या क्राइड इन पेन करते हैं, ओ आई कट माई फिंगर, वही मेरी उंगली कट गई, इस तरह से हम बोलते हैं। तो और भी वर्ड है, हे ईश्वर ये क्या हो गया, तो कहें ओ लॉर्ड, छी छी जैसे कुछ वर्ड होते हैं, टूट, या फाई फाई, छी छी धिक्कार किसी को करते हैं। तो इस तरह के बहुत से इंटरजेक्शंस होते हैं, जो हम पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है, जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, वो एस्किलोमेट्री जो वर्ड होता है, जैसे हुर्रा, ये सारे मैंने बताए थे, इनके बाद तुरंत एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग होता है, और उसके तुरंत बाद सेंटेंस आता है। जिस तरह का भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, वो हम उस टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, अलास सीज नो मोर, ये अलास जो शब्द हुआ है, इसका मतलब दुख के साथ हम शो कर रहे हैं, अफसोस अब वो नहीं रही। तो हमारे बोलने का भी तरीका कि अफसोस की बात है, अब तो वो रही नहीं। तो इस तरह से और कुछ वाक्य होते हैं आश्चर्य के साथ बनाए जाते हैं, आश्चर्य सूचक जो होते हैं वो वाट या हाउ से भी बनते हैं एक्सक्लेमेटरी में। अब वाट या हाउ से किस तरह से बनते हैं? जैसे वाट से जो बना, वाट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, फिर एक्सेट्रा जो भी वर्ड है वो बाद में आएंगे। और इसका जो अर्थ होता है, कितना, कितनी, कैसे, कैसी होता है वाट या हाउ का। यहाँ पर ये इंटरोगेटिव वर्ड नहीं यहाँ पर है, क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड यदि होता यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर इंटरोगेटिव नहीं माना जाएगा ये वर्ड। व्हाट अ डेंस, एग्जाम्पल देखिए, व्हाट अ डेंस फॉरेस्ट, जैसे किसी जंगल में हम गए और जंगल बहुत बड़ा सा घना जंगल है, और देखते ही हमें आश्चर्य के साथ हम बोल रहे हैं कितना घना जंगल, तो ये हमारा बोलने का तरीका भी बदला। कितना घना जंगल, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन पुटअप नहीं किया रहा है कितना घना है, इसका मतलब ये है कि जंगल बहुत ही ज्यादा घना है। ठीक इसी तरह से
हाउ से भी बनते हैं, हाउ कितना कितनी, कैसे कैसी होता है इसका भी अर्थ, हाउ एडजेक्टिव सब्जेक्ट और एसेट्रा। अब हाउ के बाद हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जबकि व्हाट के बाद आर्टिकल अवश्य लगाते हैं, इतना हमें ध्यान रखना होता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है। इसे देखते ही हमने किसी लड़की को देखा और देखते ही वाओ हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है, इसका मतलब शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस प्रे, कर्स, बून और ब्लेसिंग आर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसी वाक्य जो प्रार्थना, अभिशाप, वरदान या आशीर्वाद को एक्सप्रेस करते हो, का भाव प्रकट करते हो, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और इस प्रकार के वाक्य जो है ज्यादातर मे से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं? मे से। इस तथा अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क अवश्य लगाते हैं। और यदि इस तरह के वाक्य मे से शुरू नहीं हो तो इफ दैट, ओ दैट, वुड दैट, इससे भी हम शुरू करते हैं। मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग। अब इसमें आशीर्वाद शो हो रहा है, लंबी आयु हो। तो देखो इसमें जो स्टार्टिंग किससे हो रही है, मे से स्टार्टिंग हो रही है, तो यही पहचान है। उसके बाद सब्जेक्ट आया है, उसके तुरंत बाद क्या आया है, वर्ब। तो और उसके अंत में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क है एक्सक्लेमेटरी का, तो साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से नेक्स्ट है, मे यू गो टू द हेल, मे यू गो टू हेल। तो इसे हम कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं नर्क में जाओ, भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, इस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट है, वुड दैट आई वर रिच। अब मैंने बताया था कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें यदि हम मे से शुरू नहीं हो तो उन वाक्यों में वुड दैट, इफ दैट, ओ दैट, ये सब लगाते हैं। लेकिन जब ये इस तरह के वाक्य जो होते हैं इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, और इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें जो वर्ब जो आती है वो प्लूरल पास्ट की आएगी। प्लूरल पास्ट तो समझते होंगे, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन की, चाहे सब्जेक्ट एक वचन क्यों ना हो, हमें प्लूरल में ही लगाना है और पास्ट में ही लगाना है। जैसे यहाँ पे वाज आना चाहिए था वैसे आई के साथ, लेकिन यहाँ पर हमने वर का प्रयोग किया है। तो वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, इस तरह के इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, उसमें प्लूरल पास्ट का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जो 5 काइंड्स मैंने बताए और इसका सेंटेंस का मैंने अर्थ भी क्लियर किया था, तो आपको जो काइंड्स है और सेंटेंस जो उसका अर्थ है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं समझाऊंगी कि किस तरह से सेंटेंस हम पहचान सकते हैं। थैंक यू।